मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, फटाफट आज के लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो अपना चैप्टर नंबर जो 5 होने वाला है, मतलब पृष्ठ रसायन जो होने वाला है, वो हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत गजब तरीके से इसको फोड़ने वाले हैं कि आखिर इस चैप्टर के अंदर होता क्या, जैसे कि भौकाल चीजें हैं जो एग्जाम्स के अंदर हमको पूछे जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो क्लियर है सारे बच्चों को? तो बच्चे, हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है पृष्ठ रसायन, इसके बारे में अपन जो है आज पढ़ने वाले। तो बच्चे, मैंने क्या किया, आपका टाइम सेव करने के लिए प्यारे बच्चों, आपका टाइम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीज यहाँ पे मैं लिख के पहले से ही रख लिया। आपको जो है पूरी एकदम भरपूर तरीके से निश्चित होकर एकदम प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है बेटा, ठीक है। क्या करना है, समझना है और सीखना है। अब बच्चे, मैं पृष्ठ रसायन को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 तरीकों में क्लासीफाइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों, ठीक है। ये चैप्टर को मैं जो है अपने हिसाब से क्लासीफाइड करूं, तो हम 3 पोर्शन में इसको पढ़ने होते हैं। पहला जो पोर्शन होता है प्यारे बच्चे, वो जो होता है अधिशोषण का पोर्शन बेटा, जिसको अपन बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा? एडसॉर्प्शन बोलते हैं इसको। मैं अगर हिंदी में बेटा लिखूं तो हम अधिशोषण बोलते हैं। अगर इसी को बच्चे मैं इंग्लिश में लिख दूं, ठीक है, इंग्लिश में लिख दूं प्यारे बच्चों, तो इसको अपन बोलते हैं एडसॉर्प्शन, ठीक है, एडसॉर्प्शन। तो बच्चों को यहां पे एब्जॉर्प्शन लग रहा हो बेटा, ठीक है, एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन सिर्फ बी और डी का फर्क होता है, ठीक है, एडसॉर्प्शन और बी का फर्क होता है, बी और डी का फर्क होता है। तो यहां पे कोई भी बच्ची कंफ्यूज नहीं होगा, मैं एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूं कि एडसॉर्प्शन बोल। अगर एडसॉर्प्शन बोलूं बेटा, ठीक है, ये यूज करूं तो इसका मतलब होता है अधिशोषण, और इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, अवशोषण। इसका मतलब होता है अवशोषण। तो मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर अधिशोषण और अशोषक में, सॉरी अवशोषण में क्या फर्क होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। फिलहाल बेटा आप लोग क्या करिएगा, ठीक है, इसको जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं जो है कभी भी ठीक है, कभी भी आपको ये बोल दूं भाई कि एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन वर्ड यूज करूं, ठीक है, एडसॉर्प्शन बोलूं, एब्जॉर्प्शन बोलूं, तो बच्चा ये वर्ड जो है यूज करूं ना, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज होना ही नहीं है। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया? अब बच्चे, मेरा दूसरा जो पॉइंट होने वाला है, दूसरा जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोलाइड का पोर्शन लूंगा, और तीसरा जो होगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं क्या करूंगा, उत्प्रेरक। ये सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये कंटेंट, ये जो टॉपिक रहने वाला बच्चा, ये रहिएगा, ठीक है, ये रहेगा ही रहेगा। इसके बाद जो चौथा होता है बेटा, वो होता है पायस। क्या होता है बेटा? पायस। ये थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, तो इसको मैं फटाफट आपको जो है पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये जो 4 टॉपिक है, इसी से ही ना आपके क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टडी कराने, और यहाँ पे पूरा सिलेबस का डिस्कशन नहीं होगा ना, तो बेटा यहाँ पे जो है पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ बेटा क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा, और जो है इसके आंसर राइटिंग के ऊपर, आंसर कैसे समझना है, आंसर को हमको कैसे लिखना होगा, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया बेहतरीन तरीके से। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अधिशोषण के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार अधिशोषण आखिर क्या है, ठीक है। तो बच्चे, अधिशोषण के मैं जो फटाफट अगर एक जो है डायग्राम बना के समझा दूं, तो आपको जो है बहुत अच्छे सुंदर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखो बच्चा, आपके जो है दिमाग में पहला जो प्रश्न आ रहा होगा बेटा, अधिशोषण आखिर क्या है, तो बच्चे इसका जो है आप लोग क्या करिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोग इसे क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो बच्चे मैं आपको समझा दूं इसका मतलब क्या होता है। आखिर देखो, जब क्या होता है, किसी भी गैस या द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या करेंगे, किसी भी वृहद क्षेत्रफल, बड़े से जगह पे बेटा क्या होते हैं, ठोस के संपर्क में आते हैं, तो गैस और द्रव के अणु की होती है बेटा, गैस और द्रव के जो अणुओं की जो ठोस की सतह पर क्या होता है, सांद्रता बढ़ जाती है। इसी प्रोसेस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं, ठीक है, एकदम क्लियर है, अधिशोषण बोलते हैं। अगर मैक्सिमम बच्चों को मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो डेफिनेशन है वो समझ नहीं आएगा। अब बच्चे, मैं आपको जब बेहतरीन तरीके से क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक जो है डायग्राम बना के समझाता हूँ कि आखिर ये प्रोसेस कैसे होता है, तो आपको एकदम फट से याद हो जाएगी, क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चा, ठीक है, समझो फटाफट समझना, ठीक है। देखो भाई, अब यहां पे अपन बात करेंगे, हमारे पास जो है एक सॉलिड सरफेस है। क्या बच्चा? एक सॉलिड सरफेस है। ये मान लो भाई अपना एक क्या है, एक सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस के ऊपर मेरे बच्चे क्या होने वाला है, इस सॉलिड सरफेस के ऊपर जो है गैस या फिर जो है लिक्विड, गैस या फिर लिक्विड के क्या होने वाले हैं, ठीक है, पॉइंट्स आने वाले। इस प्रकार से हमारे जो है इस सरफेस में वायुमंडली जो है, वायुमंडल में बेटा इस प्रकार से गैसेस होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। इस प्रकार से जब गैसेस होंगी, तो ये गैसेस को ना, इस गैसेस क्या होंगे, वायुमंडल के साथ साथ बेटा इसके अपर सरफेस में, इस सॉलिड के अपर सरफेस में भी आ जाएगी। क्लियर है सारे बच्चों को? इस प्रकार से पूरा जो है अपर सरफेस पे ये जो है गैसेस के द्रव या फिर जो लिक्विड हो सकते हैं वो आ जाएगी। तो इस वाला जो प्रोसेस होगा, इसकी सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस में, ऊपर मैंने क्या बोला बेटा, इस ठोस के अपर सरफेस के ऊपर मैंने बात की, ना तो इसके जो है इंटरनल लेवल पर बात की, मैंने किसके ऊपर बात की, सिर्फ और सिर्फ अपर सरफेस पे। मैं बोल करूं बेटा, अपर सरफेस कहने का मतलब बाहरी सतह पर मैंने बात की, इसका जो है ठोस की बाहरी सतह पे बात कर रहे हूं,
बाहरी सतह के ऊपर मैंने बात किया, ठीक है, ना को भैया इसके इंटरनल लेवल पे मैंने बात की, ठीक है। तो बाहरी सतह पर जब इस प्रकार से क्या होगा बेटा, किसी भी कण जो आके अधिसूचित हो जाएंगे, रह जाएंगे, ठहर जाएंगे, तो बेटा इस टाइप पे यहां पे क्या होगा, जो बाहर में जो वायुमंडलीय गैसेस होंगी वो क्या करेंगी, सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो जाएगी, साम्यावस्था में होगी, एकदम आप अपन तो मान रहे हैं, ठीक है, साम्यावस्था में होगी। तब बच्चे इस वाला जो प्रोसेस होगा सिर्फ और सिर्फ सतह के ऊपर होगा, तो इसको अपन क्या बोले बच्चे, इसको अपन बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं बेटा, अधिशोषण बोल रहे होते हैं, एडसॉर्प्शन बोल रहे होते हैं, ठीक है, अधिशोषण बोल रहे होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब इसी को बच्चे आप लोग वापस से पढ़ो और एकदम समझ आ जाएगी। जब गैस या द्रव के जो अणु होते हैं एक बड़े से क्षेत्रफल पे ठोस के सतह पर संपर्क में आते हैं, तो गैस का जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की सतह पर सांद्रित हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं बेटा, उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चा, अधिशोषण बोल रहे होते हैं। क्या बच्चा, अधिशोषण बोल रहे होते हैं। एकदम क्लियर सारे बच्चों को, एकदम फंडामेंटल है बेटा। अगर इसको समझ गए ना आप, इसको समझ गए तो आपके जो है पूरा ओवरऑल जो चैप्टर वो एकदम क्लियर हो जाएगा। समझ आया सारे बच्चों को? तो इस प्रकार से अधिशोषण समझ सकते हैं। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या? तो मैं बिल्कुल बेशक बोलूंगा मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे हम कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर भैया टाइप्स नहीं बोलते, इसके कुछ घटकों के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भैया आखिर ये अधिशोषण जो इस पे हो रहा है, मान लो कि ये मेरा तो ठोस है, मानो कि भैया ये तो मेरा ठोस है, ठीक है, इस ठोस है, तो क्या ये ठोस को भी मैं कुछ बोल सकता हूँ? बिल्कुल निश्चिंत होकर बोल सकते हो बेटा, उसको अपन बोल रहे होते हैं अधिशोषक बोल रहे होते हैं। क्या बच्चा, अधिशोषक बोल रहे होते हैं। क्या बोला बच्चा, अधिशोषक, ठीक है। मैं अधिशोषण अलग बोल रहा हूँ, अधिशोषक कंफ्यूजिंग टर्म्स है बेटे, ठीक है, कंफ्यूजिंग टर्म्स है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अधिशोषक बोलेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? समझ में आया कि नहीं आया पहले, सबसे पहले अपने कमेंट सेक्शन में लिख दो भैया। तो अब बच्चे आपको ये एडसॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो पूरा समझ आया। अब देखो ठोस को अगर मेरी बात करनी होगी तो ठोस को मैं क्या लूंगा, इस पर क्या हो रहा है बेटा, एडसॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब ठोस के ऊपर क्या हो रहा है, अधिशोषण की जो प्रक्रिया हो रही है ना, अधिशोषण की जो प्रक्रिया हो रही है, तो हम उस ठोस को आखिर क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे बच्चा हम लोग एडसॉर्बेंट। क्या बोलेंगे बेटा, एडसॉर्बेंट। जिसका क्या होता है, एडसॉर्प्शन होता है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडसॉर्बेंट बोल रहे होते हैं, एडसॉर्बेंट, ठीक है, अधिशोष्य बोल रहे होते हैं। और जिसका बेटा, ठीक है, और जिसका क्या होता है, एडसॉर्प्शन होता है, और ठीक है, जिस पर एडसॉर्प्शन होता है बेटा, हाँ बच्चे, तो अगर हमको जो इसको सिंपल टर्म में सीखना है बेटा, जिसकी सतह पर, ठीक है, जिसके सरफेस पे ये पूरा का पूरा जो अधिशोषण की जो प्रक्रिया है वो हो रही है प्यारे बच्चे, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, तो इसको मेरे इस ठोस की सतह को मैं क्या बोलूंगा बेटा, अधिशोषक बोलूंगा। क्या बच्चे, अधिशोषक बोलूंगा। क्लियर है सारे बच्चों को? इसको मैं क्या बोलूंगा, अधिशोषक बोल दूंगा, ठीक है। अब यहां से किसकी जो है कौन सी ऐसी जो है द्रव है या फिर लिक्विड है बेटा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे आए, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, इसको मैं बोलूंगा बेटा अधिशोष्य बोलूंगा, ठीक है। क्या बोलूंगा, अधिशोष्य। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अधिशोष्य क्या होता है बेटा, अधिशोषण की प्रक्रिया में भाग लेता है, मतलब इसका क्या होता है अधिशोषक, क्या सॉरी अधिशोष्य के कणों को क्या होते हैं, अधिशोष्य के कणों का ही क्या होता है बेटा, एडसॉर्प्शन में अधिशोषक के संपर्क में आते हैं। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चों, जो अधिशोषक होता है इस गैसेस को क्या करेगी, वो उसके सतह पे ही रुकेगी, और जो उसकी सतह पर रुक रही है बेटा, जो गैस रुक रही है, जो लिक्विड रुक रही है, वही हमारे क्या होते हैं, अधिशोष्य होते हैं। क्या बच्चा, अधिशोष्य होते हैं। क्लियर है ये फंडा आपको, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब बच्चे मैं यहां पे सारी चीज आपको समझ आ गई, अधिशोषण के बारे में समझ आ गया, अधिशोष्य के बारे में समझ आ गया, ठीक है, और अधिशोषक के बारे में आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन दूं बेटा, तो आपको यहां पे समझो कि यहां पे कोई भी अणु रहेंगे, तो यहां से जब अणु रहेंगे बेटा, तो यहां से जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे, अब सपोज करो इसको मैं थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स पे लेके जा रहा हूं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स पे लेके जा रहा हूं, तो कैसे इंड्यूसेंस यहां पे होती है। देखो बच्चा, अगर ये सॉलिड है मेरे पास, ये ठोस है, इस ठोस जब गैस के जो है संपर्क में या फिर जो लिक्विड के संपर्क में आए, तो उनके पीछे बॉन्ड बनेगा। क्लियर, एकदम बॉन्ड बनेगा तभी तो संपर्क में आ रहा है ना, बॉन्ड बनेगा तभी तो संपर्क में आ रहा है। जब बॉन्ड बना बच्चे वहां पे, तो वहां से एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा निकली बेटा, तो ऊर्जा जहां से निकलती है, तो वहां पे मैं आपको पता है कि भैया थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा है, जब यहां से एनर्जी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है, तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स के फंडे पर डेल जी जो होता है, गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है बेटा, माइनस में जाती है। क्या होती है बेटा, माइनस एच होता है, कंफर्म है आपको, माइनस एच होता है, जो हमारा वैल्यू होगा बेटा, अगर मैं इसको जो है माइनस एच ही लिखूं, सॉरी माइनस पॉजिटिव नेगेटिव लिखूं, इस पर नेगेटिव लिखूं, या फिर बेटा मैं डेल जी का वैल्यू जो है वो क्या कर लूं, नेगेटिव लेके चलूं, तो आपको किसी भी बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि भैया इससे जो है जब संपर्क में आएगा तो एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। जब ऊर्जा निकलेगी तो वहां पे मेरी जो एंथैल्पी होने वाली है, मेरा जो डेल एच का जो वैल्यू होता है बेटा, वहां पे नेगेटिव हो जाएगा। एकदम सिंपल,
क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया। इसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं बेटा मैं, एकदम प्राइम एग्जांपल, ठीक है, एकदम जो है दो चार एग्जांपल देता हूं आपको, एकदम मक्खन तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, एग्जांपल्स की मैं बात करूं प्यारे बच्चे, तो आप लोग यहां पे जो है फटाफट अपने कॉपी के अंदर एग्जांपल लिखिए। जब भी हम क्या करते हैं, एक स्याही के ऊपर, किसके ऊपर, स्याही, इंक जो होता है ना बेटा, उसके स्याही के ऊपर, स्याही के ऊपर, तो स्याही क्या हो गया मेरा, अधिशोषक, क्या हो गया बेटा, अधिशोषक हो गया, ठीक है, स्याही हो गया, ठीक है। अब स्याही की, सॉरी, अधिशोष्य हो गया, क्या बच्चा, अधिशोष्य हो गया, क्लियर सर बच्चे को, स्याही मेरा क्या होगा, अधिशोषक होगा, इसका क्या होगा, अवशोषण होगा, इसका क्या होगा बेटा, अवशोषण होने वाला है, ठीक है। देखो बच्चा, इस स्याही में या फिर बेटा इस स्याही के ऊपर मैं बोल सकता हूं, या फिर हम सीधा सीधा ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक चौक है, क्या बेटा, एक चौक है, एक चौक जिसको अपन लिखते हैं ना, ठीक है, व्हाइट बोर्ड, सॉरी, ब्लैक बोर्ड पे अपन लिखते हैं चौक, उस चौक के ऊपर मैं अगर इंक डालता हूं, क्या डालता हूं बेटा, इंक डालता हूं, ब्लू कलर वाला इंक, ठीक है, ब्लू कलर वाला इंक डालता हूं, तो वो इंक को क्या करेगा, वो चौक को क्या एड्सॉर्ब करेगा, क्या बोला बच्चा मैंने, एड्सॉर्ब करेगा, अधिशोषण करेगा उसका, क्या करेगा बच्चा, अधिशोषण करेगा। जब अधिशोषण करेगा बच्चा, तो वो तो सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है, पृष्ठ के ऊपर होता है, क्योंकि हमको ये पता चल गया ओवरऑल कि ये फंडा जो होता है ना आखिरकार सर, ये हमारा क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है, क्या बेटा, सरफेस फिनोमिना होता है, सरफेस फिनोमिना, फिनोमिना, ठीक है, सरफेस फिनोमिना, क्योंकि भैया ये तो सिर्फ सतह के ऊपर और इसके अंदर नहीं जा रही है, इसके अंदर जो है नहीं जा रही, तो ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है हमारा, सरफेस फिनोमिना होता है, सतह क्या होती है, सतह क्रियाविधि यहां पे दर्शाया जाता है। तो बच्चे अगर मैं क्या करूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल भी लिखना आता आना चाहिए अपन को, ठीक, एग्जाम्पल भी तो लिखने आना चाहिए, तो इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल दूं बेटा, तो आप क्या करोगे, जब इंक में, सॉरी, एक चौक के ऊपर जब इंक डालोगे, तो वो इंक को क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा, और एड्सॉर्ब तो करेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ चौक के जो सतह के ऊपर होगी, लेकिन जब मैं इसको बीच से तोड़ूंगा, उस चौक को जब बीच से तोड़ के देखता हूं, तो उसके अंदर में बेटा वो इंक जो है नहीं जाई रहती है, क्या बच्चा, वो इंक जो होती है उस चौक के अंदर में नहीं जाती, समझ में आया ना, नहीं जाती, तो उस वो जो प्रोसेस होता है सिर्फ सतह के ऊपर होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, एड्सॉर्प्शन बोल रहे होते हैं। ये वीडियो लेक्चर के अंदर पूरा हम एड्सॉर्प्शन का फंडा आपको एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एड्सॉर्प्शन का फंडा आपको समझ आ गया। अब बच्चे मैं आपको बताता हूं कि अधिशोषण, सॉरी, ठीक है, अवशोषण क्या होता है, क्योंकि यहां पे बेटा आपके जो है एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखिए। तो अधिशोषण का फंडा आपको तो क्लियर हो गया, अधिशोषण का फंडा क्लियर हो गया ना भैया, तो अब हम ये जान लेते हैं कि अवशोषण आखिर क्या होता है। देखो बच्चा, इसके लिए हम फटाफट जो है एक स्लाइड ले लेते हैं, फटाफट से देखो कहीं पे, हाँ, ठीक है बच्चा, अब देखो इसको मैं क्या करता हूं फटाफट बच्चे, आपको जो है दो ब्रेक करके, मतलब दो जो है स्लाइड्स में समझा देता हूं कि आखिरकार भाई हमारा अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। देखो, ठीक है, अगर बच्चे मैं बोलूं कि इस प्रकार से मेरा एक सरफेस है, इस प्रकार से एक सरफेस है मेरा, ठीक है, इस सरफेस में, अब बच्चे इसको क्या करते हैं, हम फटाफट कॉपी कर लेते हैं, जिससे ये हमको जो है और बार बार बनाना ना पड़े, ठीक है, इस प्रकार जिससे हमको ये बार बार बनाना ना पड़े, और इसको मैं क्या कर लेता हूँ थोड़ा सा जो है यहाँ पे और जो है कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, तीसरा पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अब देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे जो अणु थे ये इस प्रकार से इसकी सतह के ऊपर ही आ रहे थे, सतह के ऊपर में आ रहे थे, बिल्कुल बच्चे सतह के ऊपर में आ रहे थे इस तरीके से, तो ये जो प्रोसेस था बच्चा, ये जो प्रोसेस था मेरा, ये क्या था, ये तो मेरा क्या था, एड्सॉर्प्शन का, अधिशोषण का प्रक्रिया था, अधिशोषण की प्रक्रिया थी, बिल्कुल सर हमको तो समझ में आ गई, बिल्कुल बच्चे आपको तो समझ आनी ही थी, ठीक है। अब देखो यहां पे जो मैं प्रोसेस बताऊंगा वो किसके लिए होगा, अवशोषण के लिए, अवशोषण मतलब यहां पे एब्जॉर्ब किया जाएगा, किसी भी शक्ति खींचते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर लिया जाता है, वो शक्ति को अपने अंदर ली जाती है, तो वो हमारा क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है, क्या बच्चा, एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है। तो वही मैं बात करूंगा बेटा, यहां पे अवशोषण कैसे होगा, जब भी यहां पे बेटा एक सॉलिड की सरफेस पे, सॉलिड के सरफेस पे, ठीक है, सपोज करो कि ये इसका जो है एक वायुमंडल पे जो गैसेस हैं, जो वायुमंडल में जो गैसेस है बेटा इस प्रकार से यहाँ पे रखी हुई है, अब ये जो गैसेस होगी या फिर जो लिक्विड होगी बेटा, गैसेस या फिर लिक्विड, ठीक है, वो लिक्विड क्या करेगी, इसके अंदर चली जाएगी, इस सरफेस के जो है, इस सॉलिड के जो है अंदर चली जाएगी, मतलब इसके इंटर जो है क्या बोल सकते हैं बेटा, इसके इंटरनल चली जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बच्चा, क्या बोल देंगे, अवशोषण बोल देंगे, क्या बच्चा, अवशोषण बोल देंगे, क्लियर है सारे बच्चों को। इसका एग्जाम्पल दे दूं प्यारे बच्चे, आपने क्या किया, जब एक स्पंज देखा, ठीक है, स्पंज देखा, तो स्पंज को आप क्या करते हो, जब स्पंज को एकदम प्रेशर लगा के, स्पंज को एकदम प्रेशर लगा के जब पानी के अंदर डालते, तो पूरा का पूरा पानी सोख लेता है अपने ऊपर, पूरा का पूरा पानी सोख लेता है ना, तो लेकिन उसके सरफेस में पानी नहीं दिखता, उसके जो स्पंज है उसके ऊपर पानी नहीं दिखता, लेकिन उसके अंदर में पानी होता है,
समझ में आ रहा है, उसके अंदर में पानी होता है। तो यही प्रोसेस बेटा हमारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको अपन बोलते हैं अवशोषण बोलते हैं। एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, फटाफट एकदम क्लियर हो जाएगी। जब भी आप देखोगे बच्चे कि जब जमीन की खुदाई होती है, जमीन की खुदाई होती है तो वहां पे जो अपर लेवल होता है जमीन का, एक लेयर होता है जमीन का, उस जमीन का जो अपर लेयर होता है बेटा, ऊपरी जो सतह होती है वो तो बहुत सूखी रहती है, बहुत सख्त रहती है, ठीक है। लेकिन जब उसको खोदते जाते हैं, जब उसके अंदर जा लेते हैं भैया, तो वहां पे हमको जो जमीन रहती है वो गीली गीली सी नजर आती है, ठीक है। हमको जो क्या होता है बेटा, वहां पे नमी सी नजर आती है, तो उसमें क्या होता है, जो ऊपरी सतह बेटा वहां पे पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, लेकिन वो पानी जो है अंदर चली जा रहती है, वहां पे एब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। तो आपको जो है बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे क्लियर हो कि एब्जॉर्प्शन भैया सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बच्चा, यहाँ पे जो है ऊपरी सतह पर बात की तो उसका अधिशोषण बोलेंगे, जब इंटरनली बात की बच्चे तो वो क्या होता है अवशोषण बोल रहे होते हैं। क्लियर है सारे बच्चों को, बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, अब देखो ये जो दोनों का दोनों प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, जब दोनों एक ही साथ होते हैं, ठीक है, इसकी सतह पर भी इस तरीके से होंगे, इसकी सतह पर भी इस तरीके से होंगे, ठीक है, इस तरीके से होंगे, और इसके इंटरनल लेवल पे भी इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, ये जो मैं सर्कल बनाऊं बेटा, इसको आप लोग मान सकते हैं वो लिक्विड है या फिर गैसेस है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे बेटा अब्जॉर्प्शन, क्या बोलेंगे बच्चा, अब्जॉर्प्शन, शोषण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शोषण, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन अब्जॉर्प्शन, इसको हम बोलते हैं शोषण। क्लियर है सारे बच्चों को, तो इसको अपन बोलते हैं अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे हम यहाँ पे बात कर दिए। अब बच्चे यहाँ पे एक और फंडा आपको मैं जो है क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार जो है डिजॉर्प्शन क्या होता है। डिजॉर्प्शन कहने का बेटा मतलब क्या होता है, डिजॉर्प्शन का मतलब, डिजॉर्प्शन कहने का मतलब जहां पे हमारा जो अधिशोष्य है, सपोज करो कि भाई यहां पे मेरा अधिशोष्य है, देखो इस वाले पोज में अधिशोष्य हमारा क्या है, गैसेस है, इस गैसेस को या फिर लिक्विड को बेटा मैं क्या कर दूं, यहां से लिक्विड जो है निकल जाए, वेपराइज होकर ये लिक्विड जो है निकल जाए, तो इस जो प्रक्रिया जो लिक्विड जो है वहां से निकल गई सतह से, तो उसको अपन बोले बेटा डिजॉर्प्शन बोलते हैं। क्या बेटा, डिजॉर्प्शन मतलब वहां से जो है हमारे जो ऑक्सीजन है या फिर जो है लिक्विड या फिर गैसेस है वो निकल जाती है, जो हमारा अधिशोष्य है वो निकल जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे बेटा डिजॉर्प्शन। क्लियर है सारे बच्चों को। तो यहाँ पे तीन चार टर्मिनोलॉजी अपन सीख चुके हैं। अब बच्चे एक्चुअल जो हमारे डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, सॉरी अंतर के ऊपर आते हैं कि आखिरकार हमारा अधिशोषण और अवशोषण क्या होता है। देखो बच्चा, अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना होती है जैसे कि मैंने आपको बताया, और जो हमारा अवशोषण होता है बेटा वो क्या होता है, बल्क की घटना होती है, बल्क मतलब पूरे माध्यम की घटना होती है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब बच्चे मैं अगर बात करूं तो अधिशोषण जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र प्रक्रिया होती है। क्या बच्चा, सरफेस पे होगी तो तीव्र प्रक्रिया तो होनी है डेफिनेटली, ठीक है। उसके बाद में बेटा ये क्या होती है, धीमी हो जाती है और एक साम्य अवस्था क्या होती है, स्थापित हो जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे जो है इक्विलिब्रियम स्टेट जो है कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब बच्चे इसके जो पूरी प्रक्रिया की बात करूं तो ये क्या होता है, एक समान गति से होता रहता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया। अब बच्चे मैं क्या कहूँ, अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण जो है अंदर माध्यम की तुलना में बाह्य की सतह पर अधिक होती है। एकदम सिंपल सी बात है भाई, जैसे हमारा अधिशोषक होता है, यहाँ पे देखो ये अधिशोषण का पोर्शन है, तो इसके बाहरी सतह पर जो अधिशोष्य होगा इसकी तुलना में ये तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पे तो बहुत कम जो है अणु आने वाले हैं, तो यहाँ पे क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, जो हमारा अधिशोष्य पदार्थ का जो सांद्रण होता है अंदर की तुलना में बाहरी सतह पर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा होगा, और क्या होगा, इसके अंदर या बाहर सतह दोनों में क्या होता है, सांद्रण एक समान रहता है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो, अधिशोषक की सतह में अधिशोषित पदार्थ को हटाया जा सकता है, बहुत अच्छी तरीके से हटाया जा सकता है, क्योंकि ये बाहर है तो इसको हटाया जा सकता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे क्या होता है, इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए अपन यहाँ पे यूज करते हैं पृथक्करण विशिष्ट विधियों को उत्पन्न होती है, जैसे कि वाष्पन, क्रिस्टलीकरण, ये आदि ऐसे विधियों को यहाँ पे जो यूज किया जाता है। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया। फटाफट आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए बच्चे कि ये जो लेक्चर है बेटा बहुत गजब तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अपन ने यहाँ पे पूरा का पूरा जो अधिशोषण और अधिशोषण में सॉरी अधिशोषण और अवशोषण में अंतर पूरे यहाँ पे पढ़ लिया है कि भैया इसके अंतर जो है आपके एग्जाम्स में भैया पूछे जाते हैं, तो आप लोग बच्चे इसको फटाफट बहुत अच्छे तरीके से जो है एग्जाम्स के अंदर लिख के आएगा, क्योंकि ये जो तीन अंक के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्लियर है सारे बच्चों को। अब बच्चे फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम किसके ऊपर बात करेंगे, अधिशोषण एब्जॉर्प्शन के जो प्रयोग होते हैं, सारे उपयोग होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसका उपयोग आखिर कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में आपको फटाफट बता दूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेटा अधिशोषण के जो उपयोग है ये जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया, तो बच्चे इसको स्टार बना के अपने कॉपी के अंदर लिखिएगा, क्योंकि इससे पहले वाला जो था बेटा, इससे पहले वाला जो था ये भी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बच्चे मैं आपको जो यहाँ पे एक जो है
क्लियरेंस दे देता हूँ कि भाई जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो मैं टॉपिक करा हूँ ना, वो सारे के सारे एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं, किसी ना किसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे उसको पूछा गया है एग्जाम्स में। तो आप लोग बच्चे किसी भी तरीके से ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे मैं अगर जो डेट नहीं लिख रहा हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है इस सन में पूछा गया है, तो अगर मैं ये नहीं लिख रहा हूँ तो बेटा ये जो है ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसा कभी मत सोचना। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बार बार बोला है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे जो बोर्ड में आया है मैं उन्हीं कंसेप्ट को यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। क्लियर है सारे बच्चों? अगर इसको हम पढ़ा रहे हैं तो बेटा इसको जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बहुत टाइम लगता है इसको खत्म करने में, ठीक है। लेकिन बच्चे मैं आप लोग एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बहुत अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को खोद के निकाल के बेटा आपको मैं दे रहा हूँ। तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इसको एकदम ईमानदारी से पढ़िएगा, बाकी कुछ करने की नीड नहीं है। क्लियर सारे बच्चों को? अब चलो बच्चे यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि अधिशोषण के जो उपयोग है उसके यहाँ पे क्या बात कर रहे होंगे। तो उपयोग की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे उच्च निर्वात है, तो मतलब हाई वैक्यूम के लिए हम क्या करते हैं इसका उपयोग कर रहे होते हैं। कैसे बच्चे? देखो ध्यान से कि उच्च स्तर पर जब निर्वात की ये श्रेष्ठ विधि इसको मानते हैं, मानी जाती है, जिसके में बच्चा क्या होता है जिसके पूर्व अच्छी श्रेणी के निर्वात पंप में निर्वात किया हुआ है। बच्चे इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। देखो एक ऐसे हमारे पास एक ऐसा पात्र होता है जिसने आपने जो है कैथोड बनाने की रे पढ़ी हुई थी, वहां पे उसमें आपने जो है एक वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, मतलब विसर्जन नलिका के बारे में पढ़ा होगा। उस विसर्जन नलिका में क्या होता है, एक वैक्यूम पंप लगा होता है। तो वैक्यूम पंप क्या करता है, उस जो ट्यूब के अंदर जो गैसेज होती है उसको क्या करता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर देता है। सेम उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों वहां पे क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एब्जॉर्ब सोखा। तो उसी को यहां पे वापस से समझा रहे हैं। देखो बच्चा कि एक ऐसे पात्र से क्या जोड़ दिया जाता है जिससे द्रव आयु गैस सक्रिय चारकोल रखा हुआ होता है, जिससे चारकोल सेज बच्ची गैस क्या करती है, नमी आदि को क्या करता है, सोख लेता है, तथा इस प्रकार क्या होता है उच्च श्रेणी का निर्वात हम बना सकते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। एकदम अच्छे सारे बच्चों को। अब दूसरे तरीके की मैं बात करूं तो दूसरा तरीका इसका मास्क बनाने के लिए, बेटा मास्क का उपयोग हम इसका क्या करते हैं, इस उनका जो है एप्लीकेशन आप देख रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो गैस मास्क में रखा क्या, गैस मास्क में रखा सक्रिय चारकोल सभी क्या करते हैं, गैसीय विषैली क्या होती है बेटा, गैसीय विषैली तथा ठीक है वामो जो गैस होती है बेटा उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे आपको जो है एकदम प्योर जो है बेटा ऑक्सीजन मिल पाए। इसलिए इसका यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो तीसरे के ऊपर बात करते हैं बेटा, इसका क्या होता है, डीकलराइजेशन। डीकलराइजेशन मतलब विरंजक के तौर पर, ठीक है। देखो सरकारा जो पेट्रोलियम उद्योग में होता है ना बच्चे, तो इसका क्या होता है, सक्रिय चारकोल का जो उपयोग होता है। सक्रिय चारकोल क्यों बोला जाता है यहाँ पे बार बार, क्योंकि सक्रिय चारकोल यहाँ पे यूज किया जाता है, और सक्रिय चारकोल का यूज करके बेटा हम लोग किसी भी चीज को फिल्टर करते हैं, ठीक है। इसलिए सक्रिय चारकोल की बात क्यों हुई है। अब देखो इसका उपयोग बहुतायत जो है क्या होता है बेटा, होता है तथा शर्करा उद्योग में रंगीन शर्करा को विलयन तथा सिरप के रंगीन पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। जो चारकोल होता है बेटा उसमें जो शर्करा जो होती है, सुक्रोज होता है, वो क्या करता है बच्चे, उसमें जो भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए इसका जो है इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज है। क्लियर सारे बच्चों को? अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कैटलिस्ट के बारे में, बात करूंगा उत्प्रेरण के बारे में, यहाँ पे बात करूंगा आखिरकार उत्प्रेरण के तौर पर कैसे उपयोग किया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो बारीक चूर्ण के रूप में क्या होता है, आयरन निकलता है उत्प्रेरक में, उद्योग में क्रमशः क्या करते हैं बेटा, उसका जो अमोनिया का क्या होते हैं वास्तविक। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी शायद पढ़ रहा होगा, या फिर पढ़ रहे होंगे, या फिर पढ़ चुके होंगे, ठीक है। वो सारे बच्चे मेरे को यहाँ पे जो है कमेंट सेक्शन में बता दो कि जब हम वनस्पति घी बनाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एक हाइड्रोकार्बन जनित हमारे पे क्या होता है वास्तविक, सॉरी वनस्पति तेल होता है, क्या बेटा वनस्पति ऑयल होता है, तेल होता है, वो उससे क्या करते हैं उसको हम हाइड्रोजनीकरण करते हैं, हाइड्रोजन से जो है आप अभिक्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने के बाद उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम डालडा घी बोल रहे होते हैं या फिर कोई भी घी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपको ये समझ आया कि वहाँ पे प्रोसेस क्या हुआ, फिल्ट्रेशन का काम, मतलब अधिशोषण का काम हुआ, कि वहाँ पे हाइड्रोजन जो था वहाँ पे क्या हाइड्रोजन था क्या होता था, वास्तविक घी सॉरी वनस्पति तेल को घी में कन्वर्ट करता था। उसी प्रोसेस को बच्चे ध्यान से समझना कि अमोनिया वास्तविक घी के निर्माण में किया जाता है, तथा बारीक पिसे हुए धातु को अधिशोषण हेतु क्या करते हैं बेटा, विशद सतह का क्षेत्रफल उपलब्ध होता है, जिससे श्रेष्ठ विषमांगी उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। मतलब इनका कहने का मतलब सिंपल सा है बेटा कि अधिशोषण का उपयोग ना जो इंडस्ट्री के ऊपर कर रहे होते हैं, जिससे हमको जो है बहुत उपयोगी चीजें मिल सके। क्लियर है सारे बच्चों को? अब थोड़ा सा फटाफट आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसका जो उपयोग होता है क्रोमेटोग्राफी में भी किया जाता है। अब क्रोमेटोग्राफी में कैसे करते हैं सर, देखो बच्चा फटाफट, कोई भी क्या होता है ठोस अधिशोषक के में दो से अधिक जो होते हैं, दो या दो से अधिक क्या बच्चा
स्पीसीज के संपर्क में होता है। क्या बेटा? स्पीसीज के संपर्क में, दो या दो से अधिक ऐसे जो आयंस होते हैं या फिर स्पीसीज होते हैं, तत्व होते हैं जिनके संपर्क में होते हैं, तो वरीय अधिशोषण होता है। वरीय अधिशोषण मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कैसे वर्ण अधिशोषण होता है, होता है तथा क्या करते हैं बेटा, एक स्पीसीज को अन्य धातु की तुलना में अधिक अधिशोषित करता है। सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको जो है क्या बताया हुआ है, जब मैंने मेटलर्जी पढ़ाई हुई थी, तत्वों का निष्कर्षण पढ़ाया था, वहां पर आपको एक टॉपिक आया था क्रोमेटोग्राफी, मैंने आपको कराया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा, उसको आपने मैंने कराया हुआ बहुत जबरदस्त तरीके से कराया। तो वहां पे क्या होता था, एक ट्यूब होता था, उस ट्यूब के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, मेटल्स को ऐसे डालते जाते हैं, और जिनका मेटल का एडजॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती थी बेटा, वो क्या करता था, ऊपर में रहता था, मतलब जिसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी, अधिशोषण की जो क्षमता है बेटा, वो ज्यादा होगी तो वो टॉप पे ही रहेगा, चिपके रहेगा ट्यूब के साथ। अगर जिसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं होगी तो वो क्या करेगा, नीचे बह जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी, यही प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं बेटा, मेटलर्जी में भी यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी एग्जाम्स के अंदर आए तो बेटा ये टॉपिक लिखकर थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे दोगे तो आपको नंक जो है यहाँ से मिल जाएंगे। क्लियर सारे बच्चों को? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, अब बच्चे आपको यहाँ पे अगर बात करूँ तो साफ सफाई के लिए भी इसका यूज किया जाता है, मतलब क्लिनजिंग एक्शन के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाता है। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा ठोस जल होता है, हार्ड वाटर जो होता है बेटा, उसको सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ठीक है। इसको मेरे को लगता है कि यहाँ पे बेटा ज्यादा एक्सप्लेनेशन की मेरे को नीड नहीं है, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पे बच्चे अपन लोग जो अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, जिसको मैंने बोला था कि भाई सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक जो है अपन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उसी के ऊपर हम आ गए कि दूसरा जो टॉपिक हमारा जो है सबसे प्यारा, सबसे बेहतरीन, कैटलिस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चे आपके दिमाग में आ जाएगा, जो बच्चा यहाँ पे नया होगा तो वो क्या सोच रहा होगा कि आखिरकार ये उत्प्रेरक होता क्या है सर, है ना, आखिरकार ये हमारा उत्प्रेरक आखिर करता क्या है। तो बेटा जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ये जो उत्प्रेरक होता है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। मैंने क्या बोला प्यारे बच्चे, आपको वापस से सुनाता हूं। देखो भैया सिंपल सी बात है कि अगर आप भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में अगर आप कोई कैटलिस्ट लगा रहे हो, कैटलिस्ट यूज कर रहे हो बेटा, उत्प्रेरक यूज कर रहे हो, तो वो उत्प्रेरक उस रासायनिक अभिक्रिया में नहीं लेगा भाग, भैया भाग नहीं लेगा, लेकिन उसके अंदर इतनी कैपेसिटी रहती है मेरे बच्चे, इतनी शक्ति रहती है कि उस अभिक्रिया को अर्थ से जो है बेटा, अर्थ से जो है फर्श पे लेके आ सकते हैं भैया, या फर्श से अर्थ में लेके जा सकते हैं। मतलब मेरे प्यारे बच्चे कि भाई यहाँ पे हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उसको वो जो है उसके वेग को, वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या फिर क्या कर सकता है, घटा सकता है, ठीक है। तो ये आपको जो हमारा क्या करता है, उत्प्रेरक का काम होता है। इसको एक बेहतरीन एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब बच्चे क्या होता है, शादी होती है, क्या होता है बेटा, शादी होती है, तो शादी के अंदर क्या होते हैं, शादी के अंदर नहीं बोल सकते, शादी में क्या होता है बेटा, एक दूल्हा होता है, एक दूल्ही होती है, ठीक है। एक क्या होता है, दुल्हन होती है, एक दूल्ही होती है, सॉरी दूल्हा होता है, ठीक है। अब दूल्हा और दुल्हन जो होती है वो शादी करते रहते हैं। अब शादी जब करते हैं तो वहां पर शादी कराने वाला कौन रहता है, पंडित जी रहते हैं, क्या होता है बेटा, पंडित जी। अब पंडित जी क्या करते हैं, उस शादी में उनका शादी तो नहीं हो रही, वो शादी में पार्टिसिपेट तो नहीं कर, लेकिन शादी करा कौन रहा है, वो पंडित जी कर रहे हैं। तो अब समझो कि भैया जो पंडित जी है वो क्या कर रहा है, एक कैटलिस्ट की तरह पर काम कर रहा है। वो कैटलिस्ट या फिर पंडित जो है वो शादी को अच्छे से संपूर्ण के तरीके से करा सकता है या फिर उसको रोक सकता है, या फिर उसको रोक सकते हैं, या फिर कम कर सकता है, ठीक है। ऐसा होता है ना, कभी कभी शादी में क्या होता है, पंडित जी को बोलते रहते कि सर पंडित जी थोड़ा जल्दी जल्दी शादी कराइए, तो वो ऐसा ही तरीका है। तो पंडित जी के ऊपर इतनी कैपेसिटी कि वो जो शादी 3 घंटे में हो रही थी उसको 1 घंटे में खत्म कर दे, या फिर बच्चे उस शादी को जो है एकदम आराम से 4 घंटे 5 घंटे में करता रहे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सारे बच्चों को समझ है? तो ये हमारा कैटलिस्ट होता है, यही हमारा क्या होता है बेटा, उत्प्रेरण होता है, उत्प्रेरक होता है, ठीक है। तो मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे हम उत्प्रेरक के बारे में बात की, तो बच्चे ये आखिरकार हमको समझ आ गया उत्प्रेरक क्या होता है। वो क्या होता है बेटा, किसी भी पदार्थ जो अभिक्रिया में बिना प्रयुक्त हुए, बिना भाग लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है या फिर परिवर्तित कर देता है बेटा, तो यही हम उसको क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक कहते हैं। उसको बढ़ाने की घटना को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक के उपयोग से होती है तथा उत्प्रेरण बेटा क्या होती है, उत्प्रेरण कहलाती है, कैटालिसिस कहलाता है। क्लियर है सारे बच्चों को? ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मेरे को जो है और भी डिस्कशन जो है करने की नीड नहीं है ऐसा लगता है मेरे को, ठीक है बच्चा। अब मैं इसके जो टाइप्स के ऊपर बात करूँ, प्रकार के ऊपर बात करूँ बेटा, इसके जो है टाइप्स के फंडे पे बात करूँ, तो हमको जो है 5 टाइप्स पढ़ने होते हैं, लेकिन बच्चे मैं सिर्फ और सिर्फ जो है 3 जो है प्रकार के ऊपर बात करूँगा कि आखिर वो 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले पहला जो प्रकार की मैं बात करूँ बेटा, तो वो होता है धनात्मक उत्प्रेरण। क्या होता है बेटा, पॉजिटिव कैटालिसिस। अब पॉजिटिव कहने से ही ये समझ आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होने वाली है, बढ़ने वाली, पॉजिटिव में जाने वाली, बढ़ने वाली, तो उसी को बोलेंगे प्यारे बच्चे क्या बोल देंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस बोलेंगे। तो वे पदार्थ जिनको उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाता है मेरे बच्चे, उसको अपन क्या बोलते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, तथा वह घटना क्या होती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहला रही होती है।
क्लियर है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स तो दे दो सर, हमको ऐसे में समझ नहीं आता, एग्जांपल दो। लो बच्चे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे H2O2 है मेरे पास, H2O2 है। अब इसको मैं क्या करूँ मेरे बच्चे, क्या होता है KMnNO4, ठीक है, सॉरी MnO2, ठीक है, MnO2, इसके प्रेजेंस में ये MnO2 जो है मेरे बच्चे वो क्या होने वाला है, कैटलिस्ट होने वाला, तो एक कैटलिस्ट की तरह बात ही काम करेगा। और ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया को एक्सपोनेंशियल उठा देगा, मतलब इसको बढ़ा देगा। बढ़ाएगा तो बच्चे हमको क्या मिलेगा, जो है 2H2O का फॉर्मेशन करेगा, 2H2O प्लस O2 का फॉर्मेशन करेगा। इस प्रकार से ये रासायनिक अभिक्रिया जो है तेज हो सकती है। अब दूसरी मैं तरीके की बात करूं बेटे, यहाँ पे हैबर्स विधि, यहाँ पे इस जो है जब मैं पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा मेरे बच्चे, तो वहां पे मैं हैबर्स विधि पढ़ाऊंगा कि हैबर्स विधि से आखिरकार अमोनिया कैसे बनती है। के ऊपर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पे बात करूं हैबर्स विधि के द्वारा अमोनिया के निर्माण में आयरन की उपस्थिति में, आयरन के प्रेजेंस, आयरन मतलब क्या आप किया, आयरन वो उपस्थिति में बोल रहा है, मतलब वो भाग नहीं ले रहा, वो सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता। तो यहां पे क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, 2H2 प्लस क्या था 2N2 इसके प्रेजेंस में बच्चे क्या होता है 2NH3 का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से मेरे को क्या मिलता है, अमोनिया मिल रहा होता है, और वो किसके प्रेजेंस में, Fe के प्रेजेंस में बेटा, क्या होता है Fe के प्रेजेंस। इसको आप लोग बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है हमारे बच्चों को। अब देखो इस प्रकार से हमारा अमोनिया बनता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हुआ धनात्मक जो है उत्प्रेरण के बारे में। अब ऋणात्मक उत्प्रेरण के बारे में बात करता हूं कि आखिरकार ऋणात्मक क्या होता है, एकदम सिंपल मेरे बच्चे। यहां पे मैं क्या बात करूं, धनात्मक में क्या होता है, हमारा जो वेग होता है रासायनिक अभिक्रिया जो प्रोसेस होता है बेटा, वो क्या होता है आगे बढ़ जाता है। तो इसके अंदर बच्चे हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो कम हो जाएगी, धीरे हो जाएगी। तो उसके बारे में बात करें तो कुछ क्या होता है, सब कुछ बेटा यहाँ पे पदार्थों के जो मिलाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण बोल रहे होते हैं, समझ में आ सारे बच्चों को, इस पदार्थ को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहा जाता है। अब इसके अंदर एग्जांपल्स आपको आ रहेगा, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया कि भैया हमारा H2O2 था ना, यहां पे क्या था H2O2, इसको वापस से मैं लिख लेता हूं H2O2। जब यहां पे बेटा हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट थे, वहां पे KMnO4 कह रहे थे, सॉरी KMnO4 नहीं था, वहां पे MnO2 था, ठीक है, MnO2 था बच्चे। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज किया, मतलब H3PO4 यूज कर दिए, H3PO4 यूज कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करने के बाद बच्चे मेरे को क्या मिला, 2H2O, और बच्चे क्या मिला, O2 मेरे को फॉर्मेशन हुआ इस प्रकार से। लेकिन ये जो प्रोसेस था ना, ये क्या था, धीमा था, क्या बच्चा, धीमा था, ठीक है, ये धीरे धीरे हो रहा था। और वो वाला जो प्रोसेस था बच्चा, ठीक है, इससे वाला जो पहले वाला जो प्रोसेस था, ये जो कह रहा स्पीड था, स्पीड मतलब यह तेज हुआ था, ठीक है, स्पीड ये जल्दी से हो गया था, और इसकी जो इसके बाद वाला जो प्रोसेस था, ये जो प्रोसेस है वो धीमी गति से हुआ, सिर्फ किसके प्रेजेंस में, सिर्फ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है, समझ रहे हैं, उत्प्रेरक के प्रेजेंस में। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चा ऋणात्मक उत्प्रेरण, क्या बोलेंगे बच्चा, ऋणात्मक उत्प्रेरण, क्लियर है सारे बच्चों को। अब जो तीसरा तरीका मेरे बच्चे, उसके ऊपर आता हूं, देखो फटाफट, यहां पे बेटा तीसरा जो तरीका होता है स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस के बारे में बात करूं, मतलब ऑटो कैटालिसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारा जो अभिकारक होते हैं वहां से कोई भी एक एलिमेंट क्या करेगा, खुद को क्या कर देगा, कैटलिस्ट कर देगा, खुद को जो है प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करेगा। एक बार फट के बता दूं, ध्यान समझ आएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं में उत्प्रेरक को अलग से मिलाने की जरूरत नहीं होती, क्या बच्चा, मैंने बोला यहां पे जो उत्प्रेरक होता है उसको किसी भी तरीके से मिलाने की नीड नहीं होती, जरूरत नहीं होती, क्योंकि भैया उत्पादों में से कोई एक, इस उत्पाद में से कोई एक जो क्या करेगा, कोई एक जो है उत्प्रेरक की भांति कार्य करने लगता है। इस तरह की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्व उत्प्रेरक बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस, सॉरी कैटालिसिस बोलते हैं, क्लियर सर बच्चों। यहां पे रिएक्शन आपको दिख रही होगी, यहां पे जो KMnO4 था, KMnO4 था बेटा, वहां क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्ट किया, तो वहां पे H2SO4 जो है के साथ रिएक्ट करने के बाद इसमें जो KMnO4 था बेटा, ये KMnO4 या K2SO4 जो हमारा क्या करता है, एज ए कैटालिसिस यूज करता है, सॉरी हम लोग एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं, जो कि ये रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, खुद में क्या कर लेते हैं, खुद ब खुद होने लगते हैं। यहाँ पे किसी भी तरीके की और एक्सटर्नल जो है कैटालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर कैटलिस्ट की उत्प्रेरक की जो है जरूरत नहीं पड़ रही होती है, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे अपन ने तीन टाइप्स के बारे में बात की कि आखिर भैया धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, और जो है स्व उत्प्रेरण क्या होता है। तो यहाँ पे बच्चे ये जो तीन है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम्स के अंदर ये जो है आपको पूछा जाए तो आपको जो है लिखने और समझाने और बहुत अच्छे तरीके से लिखने में आना चाहिए। बच्चा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चे अपन बात करेंगे उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उत्प्रेरण के प्रकार के ऊपर बात करेंगे। अब ये प्रकार कौन से बेसिस पे हो रही है, ये जो है प्रकार किस पे बेसिस हो रही है, समांगी और विषमांगी के बेसिस पे हो रही है। मतलब समांगी उत्प्रेरण मतलब होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होता है, जहां पे मेरे प्यारे बच्चे होमोजेनियस कैटालिसिस का मतलब होता है जहां पे हमारा जो अभिक्रिया में जो कैटालिसिस होगा, ठीक है, हमारा जो अभिक्रिया में जो कैटलिस्ट होगा और कैटलिस्ट और जो हमारा क्या होने वाला बच्चा, ठीक है, जो अभिकारक होने वाला है वो दोनों क्या होने वाले, सेम फेजेस में होने वाले। कहने का मतलब बच्चे यदि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की अवस्था समान होती है तो
उसको अपन क्या बोले बेटे, सर्वांगी उत्प्रेरक या फिर भैया समांगी उत्प्रेरक बोल रहे होते हैं। इस प्रकार बच्चे आपको समझ आना चाहिए कि समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे आपको स्पेलिंग है तो आपको फटाफट इसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। अब देखो, हाँ बच्चे, तो यहाँ पे अपन को ये समझ में आ गया कि भैया ये जो है ना H2SO4 जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे सुक्रोज के जल अपघटन के बारे में बात की गई है। अब सुक्रोज के जल अपघटन में मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ आना चाहिए कि जो हमारा सुक्रोज होता है वो तो एक्वस फॉर्म पे होता है। क्या होता है बेटा? एक्वस फॉर्म पे हो रहा होता है, ठीक है। तो बच्चे यहां पे हमको ये एक्सप्लेनेशन देने बोल रहा है कि भाई हमारा जो अभिक्रिया होती है ना, वहां पे जो अभिकारक होता है, जो भाग ले रहा होता है, वो उसका जो फेज होता है बेटा, द्रव या फिर गैस में कोई भी हो सकता, द्रव गैस या फिर जली विलयन हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक फेज में रहेगा, मतलब जली विलयन ठोस द्रव जैसे जैसे उसकी मर्जी, वो ऐसा ही। लेकिन जो कैटलिस्ट यूज करेंगे, ये जो कैटलिस्ट यूज किए H2SO4, ये भी होना, वो भी सेम फेज में होना चाहिए। तो बेटा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको समांगी उत्प्रेरण बोल रहे होते हैं। एग्जांपल के मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे मैं बोलूं कि मेरा जो C12H22 और O11 जो सुक्रोज होता है बेटा, ये क्या करता है, ये जो है हमारा जो है H2SO4, जो हमारा कहता है एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी एक्वस सॉल्यूशन और वो भी एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन सेम दिख रहा है, सेम फेज में दिख रहा है, सेम स्टेट में दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये होमोजेनियस मिक्सचर होने वाला है। अब इसके जस्ट उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका जस्ट उल्टा होता है हेटरोजेनियस। इसका एक और एग्जांपल है प्यारे बच्चे, इसको भी आपको करना आना चाहिए। अब बच्चे मैं दूसरे टाइप के ऊपर बात करूंगा, विषमांगी उत्प्रेरण आखिर क्या होता है, हेटरोजेनियस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे जो अभिकारक होता है उसका फेज, उसकी अवस्था, जो कैटलिस्ट की अवस्था है उसके जो है सेम तरीके के होनी चाहिए, सेम फेज के होनी चाहिए। मान लो कि हमारा जो अभिकारक है वो गैसी प्रवृत्ति का है, तो हमारा कैटलिस्ट भी गैसी प्रवृत्ति का होना चाहिए। अगर ये चेंज हुआ, अलग अलग हुआ, तो वो हमें किस में आ जाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉरी हेट्रोजीनियस कैटलिसिस के ऊपर आ जाएंगे। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस हम लोग बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण बोल रहे हो। तो इसके अंदर आपको लिखना क्या होगा, यदि अभिकारक व उत्प्रेरण अलग अलग प्रवस्था में होते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं बेटा, विषमांगी उत्प्रेरण बोल रहे हो। तो ये एकदम फंडा आपको जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं इसके एग्जांपल की ओर। देखो बच्चे यहां पे क्या बात की गई, जो मेरा आयरन होता है वो तो लिक्विड में नहीं होता भैया, एकदम क्लियर है। ये तो किस में होता है, सॉलिड में होता है। इस तरीके से जब ये सॉलिड में होता है बेटा, तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो H2 है ये तो गैस है, जो हमारा N2 जो है गैस है, ये भी गैस है। तो बच्चे ये जो है हमारा क्या, सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ फेज जो डिफरेंस हो रही है, ये हमारा गैस है और बेटा हमारा जो कैटलिस्ट है वो क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस हो रही, फेज डिफरेंस होने के कारण ही क्या हम इसको क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण बोल रहे होंगे। विषमांगी बेटा, विषमांगी उत्प्रेरण बोल रहे होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, विषमांगी प्रेरण बोल रहे होंगे। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया। इसका एक और एग्जांपल बेटा ये आप लोग लिख सकते हो, जिसे मैंने आपको बताया था वनस्पति तेल वाला, ठीक है। इसको फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब बच्चे हम जो नेक्स्ट जो है टॉपिक के अंदर आते हैं बच्चा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं कराऊंगा। अब बच्चे पूरा का पूरा जो हमारा आदि शोषण का पोर्शन था वो खत्म हो गया, अब उत्प्रेरण का पोर्शन जो था वो भी खत्म हो गया। अब बच्चे हम लोग कोलाइड्स के ऊपर आ रहे हैं कि आखिरकार कोलाइड सॉल्यूशन वो कैसे बनता है, वो कैसे होता है, उसके ऊपर बात करें बेटा। तो ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको 3 नंबर देने वाला। और ये जो स्पेशली बेटा ये जो कोलाइड वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है, ये जो कोलाइड वाला पोर्शन रहेगा जिसमें पेप्टीकरण जो मैं बताने वाला, तो बेटा ये कोलाइड वाला जो पोर्शन रहेगा वो पूरा का पूरा जो पोर्शन है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी से ही आपके जो है आप मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछेंगे और ये हो सकता है कि इस साल भी पूछा जाए। क्लियर सारे बच्चों को, तो ये जो है टॉपिक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कीजिएगा। क्लियर बच्चे, तो चलिए बच्चे इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फटाफट। अब कोलाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, आखिरकार कोलाइड्स होता क्या है।